हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटिंग हाइट्स। और आज का हमारा टॉपिक है गुड़हल के पौधे, हिबिस्कस प्लांट्स। हिबिस्कस प्लांट्स में दो वैरायटी आती हैं, देसी और हाइब्रिड। हाइब्रिड वैरायटी में ये इसका साइज़ छोटा ही रहता है, ये छोटे साइज़ में फ्लावर्स देते हैं। और देसी वैरायटी इनकी लॉन्ग जाती है और ये लॉन्ग में फ्लावर्स आते हैं देसी वैरायटी में। मेरे पास चार प्लांट्स हैं देसी वैरायटी के और सारे ये हाइब्रिड वैरायटी है। इसमें देखिए फ्लावर्स कितने अच्छी क्वांटिटी में आ रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स इसमें डेली आते हैं। ये देखिए इसमें बर्ड्स भी अच्छी क्वांटिटी में आती है, बहुत सारी बर्ड्स इसमें आती हैं। बहुत ही अच्छे गुड़हल के पौधे लगते हैं, इनके फ्लावर्स डेली खिलते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। ये है पूपी गुड़हल। और एक और प्लांट है मेरे पास, इसका दूसरा, इसका फ्लावर बहुत ही सुंदर लगता है, बिल्कुल प्योर रेड है, एकदम मैरून में। एक ये दूसरा है, बहुत ही अच्छे हैं। हिबिस्कस के प्लांट को लगाने का सही समय गर्मियों का मौसम होता है, समर सीज़न। समर सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, इनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, बहुत ही अच्छे ये गर्मियों में ग्रो करते हैं। इनका फ्लावर्स का साइज़ भी बहुत अच्छा आता है। और आप अपने ये, जैसे मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये जो येलो पड़ जाती है लीव्स, आप इनको रिमूव कर दीजिए, वरना इसकी वजह से आपके प्लांट में फंगस लग सकता है आपकी मिट्टी में। आप इनको अलग से लीफ कंपोस्ट इसका बना के इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसके गमले में ना डालें, क्योंकि इसकी वजह से आपके प्लांट को फंगस लग जाएगा तो फिर आपका प्लांट ग्रो अच्छे से नहीं करेगा, हेल्दी नहीं रहेगा और चींटियाँ आने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं फ्लावर्स में। और जैसे आपके फ्लावर्स एक दिन के बाद जो खिल जाते हैं उसके बाद वो मुरझा जाते हैं, तो आप उसको भी रिमूव कर दीजिए, नहीं तो दूसरा जो फ्लावर खिलने वाला तो उसको एनर्जी नहीं मिलती, ये पुराने फ्लावर से सारी एनर्जी ले जाते हैं, इसको भी आप रिमूव कर दीजिए। और गुड़हल के पौधे में अगर आप टाइम टू टाइम पे मतलब पानी अच्छे से देंगे, इसकी देखभाल अच्छे से करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स देंगे। और बारिश के मौसम में इनमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, नहीं तो आपका प्लांट अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इसमें फंगस लग जाएगा, जैसे मेरे इस पौधे में लगा हुआ है। ये देखिए इसकी लीव्स में कैसे ये चींटियों ने कीड़ों ने खाया हुआ है, लेकिन देखिए फ्लावर्स भी आ रहे हैं इसमें। अब इसमें कुछ करना पड़ेगा, नीम ऑयल का आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, नीम खली आप इसके मिट्टी में डाल सकते हैं, और इसमें जो भी घास वगैरह उगी होती है वो भी आप रिमूव कर दीजिए, उसकी वजह से भी ये जो भी घास होती है वो सारी एनर्जी ले जाती है, आपके प्लांट को एनर्जी नहीं मिलती है पूरी एनर्जी। ये देखिए इसमें इसके जो बर्ड्स होती हैं वो भी गिर जाती हैं। तो ऐसा हम क्या डालें अपने पौधों में जिससे बर्ड्स भी ना गिरें, फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आएँ और ये ऐसे ही खिले खिले रहें, हेल्थ भी सही रहे। आप अपने हिबिस्कस के प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखें, कम से कम 4 से 5 घंटे की आप इन्हें धूप दें, तभी ये फ्लावर्स अच्छे से देंगे और ऐसे खिले खिले रहेंगे, शाइन इनके फ्लावर्स में रहेगी, नहीं तो ये मुरझाए मुरझाए से रहेंगे। ये धूप का प्लांट है, फुल सनलाइट में आप इसे रखें, प्लांट्स में फ्लावर्स आएंगे। और टाइम टू टाइम हर 15 डेज में आप इसमें कोई ना कोई फर्टिलाइज़र, जैसे घर से बनी हुई कंपोस्ट, टी फर्टिलाइज़र, जो यूज टी होती है वो आप इसमें डाल सकते हैं, आप कॉफ़ी का फर्टिलाइज़र भी इसमें डाल सकते हैं, बोन मील का आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये फ्लावर्स बहुत अच्छे इसमें आएंगे। बोन मील जो होता है वो थोड़ा सा आप अपने इसमें पौधों में डाल देंगे, वो फ्लावर्स के लिए होता है, वो उससे क्वांटिटी अच्छी आती है फ्लावर्स की, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है, उनका साइज़ भी सही रहता है। ये मेरा देसी प्लांट है हिबिस्कस का, पिंक कलर का इसका फ्लावर है, इसको मैंने बड़े गमले में लगाया हुआ है। एक ये रेड है, ये भी देसी है। ये पॉट का साइज़ आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इसे बड़े गमले में लगाया हुआ है, क्योंकि जो देसी वैरायटी होती है आप उसको बड़े गमले में ही लगाएं अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से, तभी अच्छे से ग्रो करेगा, इसकी जड़ अच्छे से फैल पाएंगी, नहीं तो आप छोटे पॉट में लगा देंगे तो ये रूट बाउंड हो जाएगा, जड़ें अच्छे से नहीं फैलेंगी। और इसमें जो भी लीव्स वगैरह बेकार की पड़ी होती है उन्हें आप रिमूव कर दीजिए और इसकी मिट्टी में अच्छे से गुड़ाई, आप अपने हिबिस्कस के प्लांट में या किसी भी प्लांट में आप अच्छे से गुड़ाई करेंगे टाइम टू टाइम में, तो उसमें एरेशन बना रहेगा, फंगस लगने का डर नहीं रहेगा और अच्छे से आपको गुड़ाई करनी है,
बहुत ही अच्छे से इसकी मिट्टी को बिल्कुल लूज कर लेना है। और कोई भी फर्टिलाइजर देने से पहले, चाहे आप कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो उससे पहले आप गुड़ाई करें अच्छे से। आप अपने सारे प्लांट्स में अच्छे से गुड़ाई करके कुछ भी ले लीजिए और हाथ से फिर सारी मिट्टी को अच्छे से हिला के और अच्छे से आप इसमें कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ, इसमें हम ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये सीवीड है, ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं। ये लिक्विड फॉर्म में भी आती है, आप लिक्विड फॉर्म में 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं आप। और ये जो ग्रैन्यूल्स है, आप इसको अपने पॉट के साइज के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच डाली है और फिर अच्छे से मिट्टी उसके ऊपर कर दी है, मिट्टी को अच्छे से मैंने कर दिया है। फिर जब भी आपको भी फर्टिलाइजर दें, उसके बाद तुरंत आप उसमें वाटरिंग कर दें, ताकि आपके प्लांट को अच्छे से फूड मिल जाए। फूड मिलेगा उतने ही आपका प्लांट अच्छे से हेल्दी रहेगा, ग्रो करेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।